स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश परावर्तन तथा परावर्तन, आज इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पे हमने प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन दो टॉपिक्स को हमने क्लियर किए थे। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक्स आपको दिख भी रहा होगा, दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, समझते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण इतना जानते हैं कि दर्पण कांच का बना होता है, तो इसकी डिफिनेशन क्या बता सकते हैं? यदि किसी कांच की प्लेट में एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो वो दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए लिखते हैं, यदि किसी कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर, है ना, ये भी आप ले सकते हैं कि एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद, अब ये बात यहां पे क्वेश्चन बनता है कि पॉलिश किसकी की जाएगी, तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए, सिल्वर की, मतलब चांदी की यहां पर पॉलिश की जाती है, चांदी की पॉलिश। इसको आप अगर नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है पॉलिश की जाती है, इसको हमने अलग से लिखवा दिया, चाहे तो वहीं पर पैकेट में लिखे हुए लिखवा देते, लेकिन यहां पर ज्यादा बेटर रहेगा, की जाती है। अब दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है गोली दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। चलिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अभी कौन कौन से हमने बताया? पहला था हमारा गोली दर्पण, इसके नाम में फोकस कीजिए, गोली दर्पण, और दूसरा है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। नाम से ही आपको लग रहा होगा गोली, मतलब कांच कैसा होगा, एक गोली होगा, हो सकता है कांच का गोला होगा, तो इसके डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? अब पॉलिश हमें करनी है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, दर्पण बोल दिया, तो दर्पण का मतलब ये होता है कि एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई, तो हमें बार बार नहीं करनी। हम क्या कहते हैं? यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोली हो, क्या बोलेंगे? यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोली हो तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए लिखते हैं इसी बात को, यदि किसी दर्पण, यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोली हो, एक पृष्ठ गोली हो, गोली हो तो ऐसा दर्पण, तो ऐसा दर्पण गोली या दर्पण दर्पण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, मतलब कैसा प्रश्न होना चाहिए, इस प्रकार का हो जाए या इस प्रकार का हो जाए, तो इनको हम बोल देते हैं गोली दर्पण। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए अब इसके बाद, अभी आपने पढ़े दर्पण, दर्पण के दो प्रकार थे, कौन कौन से? गोली दर्पण और समतल दर्पण। गोली दर्पण में पृष्ठ जो होता है वो गोली होता है, गोल होता है, तो इसके भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक होता है उत्तल दर्पण और एक दूसरा होता है अवतल दर्पण। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होगा, तो फोकस करिएगा, हमने पहले पॉइंट पर लिखवाया था, यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोली हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोली शब्द आया था ना, कैसा आया था? यहाँ पर गोली शब्द आया था, इसलिए हमने इसको, इस दर्पण को गोली दर्पण बोला था। कोई दिक्कत नहीं है? अब इसी फोकस करना है, यहाँ पर बोला गया समतल, तो सेम मिलते जुलते डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। यदि आपको ये डिफिनेशन बनाना आ गया तो आप सेकंड तो ऐसे ही बना लेंगे। कैसे? यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ, तो आपको गोली नहीं करना, अब बताना है आपको समतल,
तो गोली को हटाकर यहाँ पर समतल कर देंगे, वो कहलाएगा हमारा समतल दर्पण। तो चलिए लिखिए, ठीक है, यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ समतल हो, समतल हो, तो ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये तो आपके हो गए थे गोली दर्पण, क्योंकि ये गोल थे, अब हमें बताना समतल दर्पण। तो समतल पे जाते हैं, कांच की आप प्लेट ले लीजिए, तो ये हो गया। एक पृष्ठ पे जानते हैं कि पॉलिश होगी तभी दर्पण बन पाएगा, तो आप कहीं पर भी कर दीजिए, इधर कर दीजिए आप पॉलिश, ये पॉलिश है हमारी है। और पॉलिश किसकी की जाती है, अभी हमने ऊपर बताया सिल्वर की, चांदी की है ना। तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण। अब गोली दर्पण था, तो गोली दर्पण दो प्रकार थे कि नहीं थे, तुम कहीं पर ही पॉलिश कर दे यहाँ पर, तो ये हमारे दोनों हो जाएंगे गोली दर्पण, बाहर की बंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो जाते हैं गोली दर्पण। ठीक है, फिगर भी आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी डिफिनेशन तो वेरी इजी है। तो चलिए अब चलते हैं इनके प्रकार, कि गोली दर्पण के जो दो प्रकार थे कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनको ठीक के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो गोली दर्पण के दो प्रकार थे, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला था उत्तल, उत्तल दर्पण, और दूसरा आपका था अवतल दर्पण। तो चलिए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तल दर्पण में किस पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, अंदर की बाहर, इसमें किस प्रकार की जाती है, अंदर की बाहर, बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। तो चलिए इनका ट्रिक के अकॉर्डिंग समझते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से आप ले लीजिए ऊ, ऊ क्या, ऊ का मतलब होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम गोली दर्पण लेंगे, गोली दर्पण का प्रकार है, तो गोली दर्पण के एक प्रकार ले लेंगे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उभरा हुआ तो हमेशा करें क्या, यदि यहां से ऊ से निकला उभरा हुआ, तो उभरे हुए पृष्ठ पर हमेशा प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। आप ये भी जानते हैं कि दर्पण में ही प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तनी घटना इसमें होती है, ठीक है। तो उभरे हुए पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन हमें कराना है, मतलब कोई प्रकाश किरण आएगी और टकरा कर वापिस जाएगी, तो कब टकराएगी, जब हम उसके धंसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे, है कि नहीं, उसके धंसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, तो वो हमारा दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो धंसे हुए पृष्ठ पर कर देते हैं पॉलिश, ठीक है, पॉलिश है ये, तो दर्पण हमारा बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी गोलीय, यदि किसी गोलीय दर्पण के, इसको इरेज कर देते हैं, इसको साइड में लिख देंगे, यदि किसी गोली दर्पण के कहां पर, वो का मतलब क्या होता है, उभरे पृष्ठ पर तो परावर्तन कराना है, तो आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करा देंगे, दर्पण के आंतरिक, ये धसे बोल सकते हैं, आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, फोकस अब कहाँ करना था, ऊपर पृष्ठ पर हमें परावर्तन कराना है, तो आंतरिक पृष्ठ पर हमें पॉलिश करनी ही पड़ेगी। सेम इसी तरह अवतल की बात करें, तो अवतल पे हम ले लेते हैं गोली दर्पण, ये ले लिया हमने, ठीक है, इस पे
आ का मतलब होता है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर हमें प्रकाश का परावर्तन कराना है, तो करें क्या हम, तो परावर्तन कराने के लिए हमें बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करनी पड़ेगी, तो इस पृष्ठ पर हम कर देंगे पॉलिश। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो चलिए लिखें, तो चलिए यदि किसी गोली वर्ड इसलिए ले रहे हैं कि गोल भी है, गोली दर्पण के प्रकार ही है, गोली दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अब यहां से इनके दोनों डिफिनेशन अच्छे से समझ के ले सकते हैं। आप फोकस करिएगा, जैसे हमने वर्ड के लिए बताया, यहां पर आपको फोकस करना है, यहां पर उ का फोकस करना है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो था दर्पण, तो दर्पण हमने बताया था यदि किसी कांच के प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। दर्पण के दो प्रकार थे, गोली दर्पण और समतल दर्पण। गोली दर्पण क्या था, यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोली होता है तो ऐसा दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण पे क्या था, यदि किसी दर्पण का एक पृष्ठ समतल हो तो उसे कहते हैं समतल दर्पण, कोई दिक्कत तो नहीं है। गोली दर्पण के दो प्रकार थे, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, गोली दर्पण के आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या था, यदि किसी गोली दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ से आपको पांचों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।